लुधियाना की जमालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ब्लैरो गाड़ी में शराब की तस्करी होने से रोकने में सफलता हासिल की है। इस बारे में थाना जमालपुर के इंचार्ज सुंदर चीमा ने पुलिस टीम के साथ चौकी रामगढ़ कोहाड़ा के पास नाकाबंदी की और जैसे ही सामने से ब्लैरो गाड़ी आई तो उसे रोक कर तलाशी ली तो उसमें 100 पेटी शराब बरामद हुई। मौके से आरोपी को काबू कर लिया गया। वहीं सुरेंद्र सिंह चीमा ने बताया कि इलेक्शन के चलते आरोपी बाहर से सस्ती शराब लाकर महंगे भाव में बेचने लाया था, जिसे मौके पर ही शराब के साथ काबू कर लिया गया। आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड लेकर और पूछताछ की जाएगी। यह साढ़े बैच इलेक्शन के कारण स्पेशल नाकाबंदी चल रही है सीपी साहब के हुक्म से, साढ़े सुपरवाइजर एसपी साहब, 4 डीएसपी साहब, तो वो अकॉर्डिंग ही असी नाकाबंदी कल की भी सी चौंकी धर्म अपना रामगढ़ पैंती, तो कल नाकाबंदी जिते हौलदार करण कुमार से इनफॉर्मेशन मिली सी भी कोई गड्डी नंबर एक सी एक बलैरो कैंपर तो वो कोई शराब लिया के दूजी स्टेट तो इतने बेचते हैं फिर कुहाड़े तो आ रहा है सरपंच कलोनी रामगढ़ च, तो जिथे उन्होंने फिर मौके पर गिरफ्तार किया। गड्डी 100 पेटियां शराब की बरामद हुई हैं, तो जो दोषी है यदा हंसराज हंसा सन ऑफ महंगा राम इन्हें उत्थे गिरफ्तार किया, बाकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पहले भी परचे है यह अपना डिवीजन नंबर 7 च पैंदा है, इहदे घर लुधियाने का ही रहने वाला है, तो ये तो पहले भी एक्साइज का 7 नंबर डिवीजन भी परचा है, NDBS का भी परचा है, तो होर भी मुकदमे दर्ज है पहले ऑलरेडी दूसरे थाने फोकल पॉइंट भी दर्ज है। इलेक्शन बस यही इहदा तां स्मगलिंग ही कर रहा है, शराब लिया रहा पहले तेल बेचता हुंदा सी काला तेल, उस तो बाद फिर स्मगलिंग शराब की स्मगलिंग कर रहा है। जागृति लहर के लिए लुधियाना से विपिन जौहर की रिपोर्ट।